हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम मंगलयान के बारे में और जानेंगे मिशन मंगल मूवी के बारे में और जानेंगे कि मंगलयान में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या पेलोड्स है और क्या क्या यूज़ हुआ है, और जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट और मंगलयान का कितना बजट था और क्या क्या है मंगलयान में, कितना डिस्टेंस था और से मार्स तक का, और यह सब जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये हमारा कॉस्ट बजट है जो लास्ट में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मंगलयान उसका बजट $74 मिलियन, मतलब 450 करोड़ रुपीज़ के आसपास। और ये जो उसके आगे वाला है वो चाइना और रशिया ने दोनों ने कोलैब करके साथ में वो मिशन किया था फोबोस के साथ, लेकिन फोबोस मिसाइल फेलियर हो गया और वो अर्थ की ऑर्बिट ही क्रॉस नहीं कर पाया। और बाकी सब कंट्रीज के भी आप बजट देख सकते हो। सबसे पहले मंगलयान के लिए ये GSLV लॉकेट का यूज करके उसको मार्स तक पहुंचाने वाला था, लेकिन GSLV फेल हो गया, इसलिए हमने PSLV यूज किया। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV मतलब जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका फुल फॉर्म है, और आगे इसकी कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे। और ये आप देख सकते हो कि हाइट कितनी है दोनों की और नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हैं, मतलब स्टेजेस मतलब कैसे कैसे कितने कितने भागों में डिवाइडेड है और कितना मास लिफ्ट कर सकता है, मतलब कितना आकाश में मतलब अंतरिक्ष स्पेस में ले जा सकता है, और कौन सी तारीख को मतलब उसका लॉन्च हुआ था, मतलब टेस्ट हुआ था, और क्या क्या पेलोड्स मतलब वो क्या क्या कैरी कर सकता है अपने साथ। जैसे कि पेलोड्स मतलब वो सैटेलाइट हो सकता है, जैसे कि मंगलयान हो या फिर कोई और हो, जैसे हबल टेलीस्कोप या कोई और भी सैटेलाइट हो सकती है, वो क्या कैरी कर सकता है और कितने साइज तक और कितने किलो तक कैरी कर सकता है, वो सब इसमें डिटेल दी गई है। और ये कुछ GSLV PSLV के मॉडल्स हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस इमेज में कि इसका बजट 450 करोड़ रुपीस और इस स्पेसक्राफ्ट का टोटल वेट है 1337 kgs, और वो फ्यूल और वो सब का वेट है 852 kgs, और 13 kg मतलब वो सैटेलाइट का वेट और सब मिला के ये होता है 1337 kgs। और ये नीचे जो आप इमेज देख रहे हो वो है अर्थ की ऑर्बिट से कैसे वो मार्स तक पहुंचा, मतलब धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही यूज़ करके उसको बूस्ट किया गया, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाकर उसके अर्थ के ऑर्बिट से निकाला, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पीड से निकाला, ग्रेविटेशनल फील्ड से। और ग्रेविटेशनल फील्ड को हम वैन हेलन बेल्ट भी कहते हैं, हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को। और यह वैन हेलन बेल्ट के अंदर ही चांद आया है, तो चांद मतलब हमारा चंद्रमा जो हम लोग कहते हैं, उस तक पहुंचना तो इजी है लेकिन मार्स तक इजी नहीं है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को मतलब ग्रेविटेशनल स्पीयर को पार करके जाना पड़ता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इस वीडियो में आपको ये सब आगे जानकारी और देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को, और इसके कंपोनेंट्स है सोलर पैनल, जिससे कि पूरे सैटेलाइट को मतलब मंगलयान को पावर मिलती है, फिर प्रोपल्शनल टैंक फ्यूल के लिए, और एंटीनाज, डिफरेंट एंटीनाज है जो हमें यहाँ पर सिग्नल देते हैं, और फिर पेलोड जिसमें कैमरा और बाकी सब सेंसर होते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, मतलब पेलोड्स और कंपोनेंट दोनों कह सकते हो ये मंगलयान के। तो सबसे पहले LAP, जिससे हमें हाइड्रोजन की मात्रा मिलती है कि मार्स पर कितना हाइड्रोजन है और क्या क्या है, उससे LAP से पता चलता है। और सेकेंड है MSM, जिससे हमें पता चलता है कि मार्स पर मीथेन है, कि मीथेन की संख्या मतलब कितना मीथेन है और कितने परसेंट है, वो सब पता चलता है। और थर्ड है MEN-CA, जिससे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, और ये MSM से हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, और ये मार्स कलर कैमरा, जिससे हमें मार्स की कलर इमेज मिलती है,
और ये TIS जिससे हमें सरफेस की इमेजेस मिलती है कि उसका टेम्परेचर कितना। तो गैस मंगलयान लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को और अपनी डेस्टिनेशन मतलब मार्स पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। और आपको इसका अभी पाथ देखने को मिलेगा कि कैसे ये मार्स तक पहुंचा। तो जैसे कि आप इस GIF में देख रहे हो, मतलब ये वीडियो में देख रहे हो कि देखो पहले एक ऑर्बिट फिर दूसरी ऑर्बिट, ऐसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से हेल्प से ही हम मार्स तक पहुंचे और इसी के कारण से ही हमने वैन हेलन बेल्ट पास की जो अर्थ का ग्रेविटेशनल स्पीयर होता है और इसी की मदद से हमने पार की। और फाइनली 2014 को 24 सितंबर को हम मार्स पर पहुंच गए। और आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे मंगलयान ने ऑर्बिट पूरी की। ये आप जो ग्रीन डॉट देख रहे हो वो मार्स है और ये जो पिंक देख रहे हो वो हमारा मंगलयान है। देखो किसने कैसी किस तरह से उसने अपनी ऑर्बिट को मतलब चेंज करके मार्स का एग्जामिन किया और इसमें 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट पेलोड्स थे। और आगे देखेंगे मिशन मंगल के बारे में और देखेंगे रियल और रियल वर्सेस रियल और रियल दोनों किरदारों के बारे में। आई होप गाइज कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पेस टीवी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।